हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है मैं अपनी इस सदाबहार के प्लांट पर लेकर के आई हूँ। एंड ये भी देसी वैरायटी है, बट ये वाइट वाले हैं। सो गाइस, बैकग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा शोर हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा उसको। एंड मेरे इस खूबसूरत प्लांट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, वाइट कलर का विंका है ये। इसे विंका, सदाबहार, पेरीविंकल और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और ये जो गर्मियां हैं, मतलब समर्स है, समर्स के लिए ये सबसे बेस्ट प्लांट है ग्रो करने के लिए। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती है, और नहीं भी आती है, तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका नाम ही सदाबहार है। अगर आप इसके प्लांट्स लगा दें, तो धूप भी अगर मुश्किल से एक आध घंटे की आ रही है या दो घंटे की, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और आपको फ्लावरिंग भी देता है। इवन गाइस, इसमें पता है क्या, बट एक और चीज़ है, इसमें ना ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा देंगे तो ये जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। ये क्योंकि सन लविंग प्लांट है, और अगर आप सन नहीं ज़्यादा लग रही है इसमें, तो ऑब्वियसली पानी सूखेगा नहीं, और उससे जो जड़ होगी वो गल जाएंगे। तो इसमें ये देखिए, ये मेरा हैंगिंग पॉट है, हैंगिंग बास्केट जो हम बालकनी रेलिंग्स में लगाते हैं, और ये भी मेरे बालकनी में ही है। और इसमें मैंने छोटी छोटी कटिंग्स हैं ये पोचुला का की, तो ये हमारे बड़े वाले पोचुला का है, जो बड़े वाले फ्लावर्स होते हैं, तो ये पोचुला की कटिंग मैंने लगा दी है। इसमें काफ़ी सारे हैं, येलो, रेड और पिंक मजेंटा जो होता है। सो बैक टू द टॉपिक गाइस, मेरे थोड़े नेल्स गंदे हो रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा। वो एक्चुअली प्लांट वगैरह करने के चक्कर में ना, थोड़ा केयर करने की वजह से थोड़े ऐसे हो रहे हैं, बट नो वरी, आई विल क्लीन, मैं क्लीन कर दूँगी। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे इसमें ये एक ही पॉट है, और इसमें ये देखिए मैंने ये दो प्लांट लगाए हुए हैं, एक ये है और एक ये वाला है। और इसमें मैंने कुछ दिन पहले ही कंपोस्ट दी है, बट गाइज मेरे पास ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से मैंने जो कंपोस्ट थी ऐसी ऊपर दे दी थी। तो चलिए इसकी गुड़ाई भी कर देते हैं थोड़ी सी, और शाम को मैं इसमें वाटर दे दूँगी। चलिए पहले गुड़ाई कर देते हैं इसकी। सो फ्रेंड्स, गुड़ाई करने के लिए मैंने ये छोटी सी सीज़र है, मैंने ये ले ली है, और मैं इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। गाइस एक्चुअली एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है मैंने, तो एक मिनट दीजिएगा, मैं इसकी गुड़ाई करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है, और इधर मेरा तुलसा का भी प्लांट रखा था, तो मिट्टी थोड़ी ऐसी हो रही थी, तो मैंने इसकी भी गुड़ाई कर दी है यहाँ पे। और गाइस, जब हम गुड़ाई करें ना, तो ज़्यादा ना रूट्स जो होती है ना इसकी, उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ऊपर ऊपर से जैसे हल्का फुल्का इस तरीके से कर देना चाहिए। और मैंने थोड़ा ध्यान से किया है गुड़ाई, क्योंकि मैंने ना ये फ्लावर्स लगा दिए थे यहाँ पे, जो प्लांट हैं ये पोचुला का के मैंने यहाँ पे लगा दिए थे, तो इसीलिए मैंने ध्यान से करी है, ताकि कि ये जो प्लांट है वो भी डिस्टर्ब ना हो। और आप ये देखिए, यहाँ पे एक बेबी प्लांट भी ग्रो हो रहा है पोचुला का, हो सकता है सीड्स गिर गए होंगे, और सीड से वो ग्रो हो गया है, तो मैंने बहुत ध्यान से किया है जिससे कि वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो जैसा कि गाइस आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी होंगी, तो गुड़ाई से मेनली हमारा क्या होता है कि जो मैंने पहले भी बताया है, जैसे कि जो हमारी रूट्स होती हैं प्लांट की, उनको ऑक्सीजन लेने में आसानी होती है, उनको ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट सांस ले पाते हैं, रूट्स को हवा मिलेगी थोड़ी सी, तो प्लांट भी आपका अच्छा होगा, बुशी होगा। और ये देखिए, यहाँ से भी एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भी जल्दी फ्लावर आएगा। और गाइस, मैंने अभी इस प्लांट में पिंचिंग नहीं करी है,
क्योंकि ये मेरे बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट्स हैं और इन्हीं छोटे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है, तो इसलिए मैंने पिंचिंग नहीं करी है। ये वाली जो ब्रांच है ये भी अपने आप आई है और इसमें मैं अभी करूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मेरा प्लांट ग्रो हो जाए, उसके बाद मैं पिंच करूँगी, फिर बुशी सा होगा तो अच्छा लगेगा। तो अभी इट्स फाइन, मुझे नहीं लगता मुझे इसमें पिंचिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये फ्लावर नहीं हटाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। और अभी और बर्ड्स भी आ रही हैं इसमें यहाँ पे, तो इसलिए मैंने पिंचिंग नहीं करी है इसकी। और यहाँ साइड से ब्रांच निकल रही है, इसमें भी फ्लावरिंग की तैयारी हो रही है ऑलमोस्ट, तो मैंने इसको भी पिंच नहीं किया है। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा और ग्रो हो जाए, थोड़ा सा ग्रो हो जाए, फिर उसके बाद में यहाँ इसकी पिंचिंग करूँगी। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक तो इससे रेलिंग के प्लांटर होते हैं ना, तो बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट, और उनमें आप इससे प्यारे से फ्लावरिंग प्लांट लगा दो। अब ये थोड़ा डस्टी सा हो रहा है, गंदा हो रहा है, क्योंकि हमारे जो पड़ोस में किसी का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो उसकी वजह से थोड़ी धूल मिट्टी आ रही है, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं। मैं इनको रात शाम के टाइम इनको शावर दूंगी, हल्का हल्का मिस्टिंग कर दूंगी, तो उससे ये सब हट जाएगा मिट्टी वगैरह, क्योंकि प्लांट्स को क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ रूट्स ही मतलब सांस नहीं लेती हैं, ये लीव्स वगैरह पे भी अब्सॉर्ब करती हैं ये भी वाटर वगैरह, तो इनके लिए भी ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर कुछ जानना हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों को जवाब देने का। एंड तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग गाइस।